और मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है बायोलॉजी की स्टडी? और सब लोग साथ साथ में कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, जितने भी हम लोग फॉलो अप दे रहे हैं उनके आप आंसर कर रहे हो। बट उसी के साथ में क्या आप लोग सभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या कर रहे हैं? तो प्लीज उनको कंटिन्यू रखिए। चैप्टर का रिवीजन होते ही उसके साथ साथ में आप उनको भी सॉल्व करते रहिए। और उसी के साथ में हमारी जो प्रेप ऑनलाइन ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को भी आप दीजिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, तो जितने चैप्टर्स आपके हो गए हैं उन सबको रिवाइज करिए और हाथों हाथ फिर आप उसकी टेस्ट सीरीज जो है वो आप उसमें जाके टेस्ट दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा एक साइकिल ही है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। आप सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख के जो पूरा रिवीजन है उसको आप एक बार अपने, हम ये बोलते हैं ना कि पूरा इमेजिन कर लीजिए कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उनको समझ लीजिए, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी से अपना फिर रिवाइज करिए, एमसीक्यूज उनको सॉल्व करिए और देन आप टेस्ट जो है वो दीजिए हमारे प्रेप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आके। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। तो जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका भी सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो चलिए भाई, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी, और फ्लावरिंग प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोगों ने ना जो सीरीज भी पूरा जो चैप्टर्स लिए हैं वो हमने इसीलिए ले लिए हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, ताकि इमेज जो है वो हमारे दिमाग में बरकरार रहे, कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक ना हो, ठीक है? तो देखिए आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स और उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली है कि प्लांट जो है बाहर से एक्सटर्नली कैसा दिखता है। तो एनाटॉमी क्या होती है भाई? एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से अंदर से जो है स्ट्रक्चर नजर आती है। और आप जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के क्या पार्ट है? सारे ऑर्गन सिस्टम अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसकी हम ये बोलते हैं कि पूरी जानकारी हासिल करना, ऑर्गन्स है उनकी जानकारी हासिल करना, टिश्यूज हैं और हमारी जो सेल्स हैं उनकी जानकारी हासिल करना, ठीक है? तो सेल तो हम लोगों ने साइटोलॉजी में पढ़ ही ली है, इसीलिए मैंने उस चैप्टर को सबसे पहले ले लिया था ताकि आप लोगों को उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नाउ हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ सेल का, ग्रुप ऐसा ग्रुप सेल का जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग टिश्यूज के बारे में जानेंगे और उसी के साथ में जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? रूट, स्टेम एंड लीव। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है हमारे दिमाग में कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं। तो टिश्यू हम किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन क्या है? सिमिलर है और उसी के साथ में वो जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? एक ग्रुप ऑफ सेल बोला है। यहाँ पे हमने एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हम लोगों ने नहीं बोला है, क्योंकि रीजन क्या है? क्यों हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज या फिर सिमिलर स्पीशीज, सॉरी डिफरेंट सेल्स या फिर सेल्स ऐसे शब्द यूज नहीं किए। एनिमल किंगडम के अंदर जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जो डेफिनेशन दी है वो ऐसे दी है कुछ, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स इसलिए बोल देते हैं कि वहां पर्टिकुलर जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि टिश्यू जो है एक ही तरह की जो सेल्स होती है उनके ग्रुप को हम बोल रहे हैं, ठीक है? जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। यहां पे हम बोल रहे हैं ओनली ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है और सिमिलर भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशंस होती है प्लांट में। क्लियर आप लोगों को? तो जो एनसीईआरटी में डेफिनेशंस लिखी है उनको प्लीज अच्छे से पढ़िए, जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए नाउ प्लांट्स के अंदर हमने क्या किया है, जितने भी टिश्यूज हैं उनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है भाई? एक है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दूसरे है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हम किसको बोलते हैं? ऐसे टिश्यू जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? डिवीजन करते रहते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरिस्टमैटिक टिश्यूज फॉर्म होते हैं या फिर परमानेंट टिश्यूज जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो है जो कंटिन्यू सेल डिवीजन कर रहे हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, ठीक है? परमानेंट टिश्यूज किसको बोल रहे हैं? जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, यानी कि अभी हम ऐसे टिश्यूज को बोल रहे हैं जो सेल डिवीजन जो है वो करना बंद कर देते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिनका एक कार्य जो हम ये बोलते हैं जो वर्क है वो एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है? तो देखिए
मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को फिर हमने दो पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं इनको, एक है प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू और एक है सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट की सबसे पहले, हम ये बोलते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे जो टिश्यूज डेवलप होते हैं, जो एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो ये जो टिश्यूज हैं जो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से हम परमानेंट टिश्यूज जो है वो डेवलप होते हैं, उनको हम प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोलते हैं। प्लांट की एक सर्टेन एज के बाद में वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, तब वो अपनी विड्थ इंक्रीज करता है। उस टाइम पे परमानेंट टिश्यू जो है, जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ये वापस से क्या होते हैं, डी डिफरेंशिएट होते हैं और ये क्या करते हैं, फिर मेरिस्टमेटिक हो जाते हैं एंड देन सेल डिविजन करते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जो कि परमानेंट टिश्यूज से वापस कन्वर्ट होते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, जो कि कंटिन्यू डिवीजन करके नाउ अब सेल की विड्थ, सॉरी जो प्लांट है, प्लांट की विड्थ जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। चलिए तो ये चार्ट के थ्रू हम लोगों ने ना सारे टिश्यूज को एक साथ लिख दिया है ताकि इमेज क्लियर है। नाउ परमानेंट टिश्यूज कितने तरह के हैं भाई, दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या हो गया, ऐसे टिश्यूज जो एक ही जैसी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हमने सिंपल बोला। कॉम्प्लेक्स हमने उसको बोला जिसमें एक से ज्यादा तरह के, ना हमने दो वर्ड यूज किया ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स। तो जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है वो है सिंपल टिश्यूज, जो डिफरेंट सेल्स का ग्रुप है उसको हमने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल में हम तीन तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन तरह के टिश्यूज हैं जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में हम दो तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे जाइलम, दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लोएम। आप चाहो तो उनको वैस्कुलर टिश्यूज भी बोल सकते हो क्योंकि उनका काम क्या है, वाटर कंडक्शन का एंड फूड जो है उसको ट्रांसफर करने का काम है, तो इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को। क्लियर हुआ आपको। चलिए नाउ तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड कंप्लीट करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तक। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम किसको बोले, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, है ना, एक पर्टिकुलर, एक देखिए ये नहीं है कि ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है ना कहीं पे भी ऐसे फैले हुए प्रेजेंट होते हैं, ये एक पर्टिकुलर साइट पर ही प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स में लिखा हुआ है, छोटी छोटी बातें हम मिस कर देते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन कि ये कहाँ प्रेजेंट है, हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके टाइप जो है कई तरीके से डिसाइड होते हैं कि ये कौन सी जगह प्रेजेंट है, इस आधार पर भी हो सकता है, या फिर ये प्लांट की एज की कौन सी स्टेज में बन रहे हैं उस आधार पे हो सकता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो हमने क्या बोला, एज के अकॉर्डिंग बोला कि वो जो सबसे पहले बनते हैं, है ना, जब यंग प्लांट होता है उसमें जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू है तो प्राइमरी हुए, और सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि एक सर्टेन एज के बाद में जब वो विड्थ इंक्रीज करते हैं उस टाइम वालों को हमने क्या बोला, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज बोला, राइट। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पोजिशन के लिए, तो पोजिशन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जो एपिकल रीजन में, अगर ये प्लांट है, है ना, तो प्लांट के अंदर अगर हम स्टेम के अंदर बताते हैं तो एपिकल रीजन में जो प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। लेटरल पोजिशन पर जो प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, राइट, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। और इंटरकैलरी जो हमारे नोड्स रीजन होते हैं इनके जस्ट ऊपर, नोड जो है, नोड और इंटर नोड किसको बोलते हैं, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए ये जो आपके, हम ये बोल रहे हैं कि नोड रीजन के जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन है, ठीक है, एपिकल एंड इंटरकैलरी, ये देखिए टाइप है। अभी देखिए एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है, रूट एपिकल मेरिस्टमेटिक हो सकते हैं रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो, और शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं अगर शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो। इंटरकैलरी जो है वो हम बोल रहे हैं जहां पे नोड होते हैं उसके ऊपर वाले एरिया, तो ग्रासेस के अंदर नोड एंड इंटर नोड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, तो वहीं पे जो है आपके प्रेजेंट होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और वैसे अगर देखा जाए तो लेटरल टिश्यूज को आप छोड़ दीजिए, ये जो आपके एपिकल और इंटर कैलरी जो है, जो एक्चुअल में क्या करते हैं, लेंथ ही इंक्रीज करते हैं, ये याद रखिए। जैसे आप ये शब्द याद रखेंगे आपको इनको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा।
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी लेंथ इंक्रीज करता है, इंटरकैलरी जो है वो भी क्या करता है, इंटरनोड की लेंथ को ही इंक्रीज करता है। तो जो लेंथ इंक्रीज करते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, क्लियर रखिए इस बात को। सेकेंडरी हम किसको बोल रहे हैं, जो विड्थ इंक्रीज करते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजिशन के आधार पर हम इनको बोल रहे हैं, बट ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं क्योंकि ये सर्टेन एज के बाद में डेवलप होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्लांट जो होता है उसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम के लेटरल पोजिशन पे चारों तरफ प्रेजेंट है ये, ठीक है, तो ये चारों तरफ क्या करेंगे, ये जब ग्रोथ करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, तो विड्थ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। और लेटरल हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं इसको अभी तो मैं बता रही हूं आपको इस टीएस सेक्शन में, अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लूं तो इस तरीके से, तो क्या होगा, मुझे केवल यहां पे साइड में और इधर साइड में ही नजर आएंगे ये टिश्यूज, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस वजह से चूंकि ये साइड में नजर आ रहे हैं, इनको हम लेटरल बोलते हैं पोजिशन की वजह से। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं क्योंकि ये डेवलप होते हैं कब, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। कौन होता है भाई सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप, याद करिए दिमाग में, कैम्बियम शब्द पढ़ते हैं आप लोग, ये कैम्बियम शब्द पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये कैम्बियम जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही तो होते हैं जो क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करते हैं, राइट, सेकेंडरी मेडुलरी रेस फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं, है कि नहीं। तो कैम्बियम जो होता है वो यही है। अब ये कैम्बियम कोई सी भी हो सकती है, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर और आपकी कॉर्क कैम्बियम, राइट। तो बस यही तो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्लियर दिमाग में, पिक्चर जो है वो क्लियर रखिए माइंड में, अगर वो पिक्चर क्लियर रहेगी तो चीजें समझ जाएंगे। एनसीईआरटी के दो डायग्राम दिए गए हैं ना, तो ये दोनों डायग्राम को देखिए, ये क्या है आपका रूट है और ये है शूट, आपको वही बताने के लिए। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखिए यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड होते हैं, तभी तो सेल इलोंगेशन जो है ना वो रीजन यहाँ पे डेवलप होता है, बढ़ता जाता है। तो ये वो एरिया है जहां पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट के लिए प्रेजेंट है, और शूट के लिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर, जो भी क्या करते हैं कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं, और जिसकी वजह से क्या है आपकी इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो देखें इसमें, अगर डायग्राम में आप देखोगे क्या क्या नजर आ रहा है, लीफ प्रिमोर्डिया जो लीफ फॉर्म करते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन जो लेंथ इंक्रीज करवाएगा, एक्सिलरी बड, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, उनको ये शो करके बताया है। ए बी सी करके अगर कोई भी चीज पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए। तो लेबलिंग प्लीज अच्छे से याद रखिए, लेबलिंग सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेबलिंग याद रखिए। इसके अंदर भी ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका सेंट्रल सिलेंडर है इसका, ये प्रोटोडर्म है, फिर ये आपके क्या है वो एरिया है जो क्या है फॉर्म कर रहा है आपका कॉर्टेक्स जो है सिलेंडर, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है उसको फॉर्म कर रहा है, सेंट्रल सिलेंडर को फॉर्म कर रहा है। यहाँ आगे रूट कैप डेवलप हो रही है, रूट कैप को याद रखिए, ये रूट कैप जो है वो रूट के एपेक्स रीजन हो, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हार्म होने से जो है बचाती है। चलिए क्वेसेंट रीजन क्या होता है, ये वो एरिया है जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट होता है रूट के अंदर, जो कि लेस एक्टिव होता है, इनएक्टिव जो है एरिया होता है ये, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना है आपको। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये डर्मेटोजन एंड कलेक्ट्रोजन जो है उसके बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करेगा, ये रूट कैप जो होती है ना, जो हम ये बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है, आपका डायग्राम पिछले वाला उठा के देख लीजिए, ये सॉरी अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो ये है आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन और ये है आपका कैप रीजन, तो यहाँ पे ये जो रीजन होता है इस रीजन को हम बोलते हैं क्वेश्चन रीजन, ठीक है, तो जो कि इनएक्टिव एरिया होता है, क्लियर। चलिए नाउ ये वो एरिया है जिसके अंदर जिनकी सेल्स जो होती है उसमें लेस अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है, लाइट साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो भी बहुत ही कम मात्रा में इस एरिया में होता है, तो हम ये बोल देते हैं कि ये वो इनएक्टिव सेल्स होती है जो वहां पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। चलिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमानेंट टिश्यूज, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो बनाते हैं किसको है, परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो है वही सिमिलर सेल्स का ग्रुप हो सकता है या फिर डिफरेंट सेल्स का ग्रुप हो सकता है, सिमिलर है तो सिंपल और डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स हम उनको बोलेंगे। बट ये जो है ये डिवीजन का रिजल्ट है बट खुद डिवीजन नहीं करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल परमानेंट के अंदर पैरेन्काइमा वेव की, पैरेन्काइमा हम किसको बोलते हैं, जो ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है ये सभी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। पैरेन्काइमा सेल्स को पहचानना इसलिए आसान है क्योंकि इनकी अगर आप सेल वॉल को देखोगे तो यहाँ किसी भी तरह की थिकनिंग आपको नजर नहीं आती है,
जब थिकनिंग प्रेजेंट होती है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो या तो क्या होगा, कॉलन कायमा होगा या फिर स्क्लेरन कायमा होगा, क्योंकि उन्हीं की सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। कहीं कहीं पर क्या होता है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से सुबेरिन हम बोलते हैं कि वो जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो विड्थ उसकी थोड़ी सी आपको बड़ी हुई अलग से शो होने लगती है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही है बिल्कुल। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि परमानेंट जो पैरेन्काइमेटिस सेल्स हैं वो कैसी होती है, तो आइसोडाइमेट्रिक होती है, ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही आपको नजर आ रही है। इनकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है, नॉर्मल प्लांट सेल वॉल का करेक्टर है, वही आपको ध्यान रखना है। याद ये रखना है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्मॉल साइज में है बट प्रेजेंट है। औरों का बाकी आगे हम लोग जब देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो उनके अंदर या तो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ पे बहुत स्मॉल साइज में आपको इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नजर आएगा, ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस आपको नजर आ रहा है। अब ये देखिए ये क्या क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, स्टोरेज का फंक्शन कर सकते हैं, सिक्रीशन जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन, पैरेन्काइमा। अभी देखिए क्लोरेन्काइमा भी एक शब्द आता है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा किसको बोलते हैं, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं एरेन्काइमा, एरेन्काइमा किसको बोलते हैं, एरेन्काइमा इज आल्सो ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉयंसी डेवलप होती है जिस भी एरिया में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, बाहर बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है जो फोटोसिंथेटिक रीजंस होते हैं वहां पे पैरेन्काइमा जो प्रेजेंट होगा वो किस तरह का होगा, क्लोरेन्काइमा टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा स्टोरेज का ये काम करेंगी, बिल्कुल काम करती है स्टोरेज का। तो ये जो काम है ना, पर्टिकुलर फंक्शन, वो याद रखिए जो एनसीईआरटी में मेंशन है, उससे ज्यादा बाथापच्ची मत करिए क्योंकि इतना पूछा नहीं जाएगा, फालतू की कहानी जो है याद करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलिए नाउ नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो है, पहली बात इसको देखकर कैसे समझेंगे कि कॉलेनकाइमा के अंदर कॉर्नर्स जो होते हैं ना उनमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ये देखिए थिकनिंग प्रेजेंट है ना केवल कॉर्नर कॉर्नर के अंदर है, वैक्यूल भी लार्ज साइज में आपको नजर आ रही है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म पेरिफ्री हो गया वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से। सेल वॉल में जो ये थिकनिंग है यही करेक्टर है किसका, कॉलेनकाइमा का। अभी थिकनिंग होती किसकी वजह से, ये थिकनिंग होती है हेमी सेलुलोज और पेक्टीन की वजह से, ठीक है, तो ये याद रखिए जब इनमें क्या है डिपोजिशन हो गया, सेलुलोज तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा नॉर्मल है, हेमी सेलुलोज भी कुछ क्वांटिटी में होता है, पेक्टीन ज्यादा मात्रा में ना, ये जब ज्यादा क्वांटिटी में केवल कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलेनकाइमेटस सेल्स। ये देखिए पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसी सेल्स थी, लीविंग सेल्स थी, याद रखिए कॉलेनकाइमा जो सेल है ये भी कैसी है, लीविंग सेल्स है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट ही होता है, ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा सकती है ना, फोटोसिंथेसिस होगा, चूंकि इनके अंदर थिकनिंग प्रेजेंट है यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी प्लांट को जिस भी एरिया के अंदर प्रेजेंट होगी। तो हम बोल रहे हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं यंग स्टेम के अंदर भी और पिटियोल ऑफ लीव। ये देखिए ये जो दिया गया है ना इनका एरिया, यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ये प्रेजेंट होती है, यही हमें याद नहीं रहता है, ये सब चीजें हम याद कर लेते हैं। तो याद रखिए पिटियोल जो होता है उस एरिया के अंदर, लीफ जिस पे लगी रहती है उस पिटियोल के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है। इसके साथ में हम क्या बोल रहे हैं, यंग स्टेम जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अभी कॉलेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ होगा ये भी याद रखने की कोशिश करिए कि कॉलेनकाइमा हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस के नीचे का जो एरिया होता है ना वहां पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है। तो देखिए जो डाइकॉट प्लांट्स है उसके एपिडर्मिस के नीचे जो है लेयर उसमें क्या होती है, ये कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नाउ स्क्लेरेनकाइमा, ये वो सेल्स हैं, हम ये बोलते हैं ये वो टिश्यूज हैं जो डेड होते हैं, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो है ये डेड टिश्यूज है। रीजन क्या है, रीजन ये होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो है यहाँ पर हम ये बोलते हैं परमिएबिलिटी जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, परमिएबिलिटी खत्म होने की वजह से सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि ये लिग्निफाइड है, इनकी देखेंगे अगर तो ये लॉन्ग हो सकती है, नैरो सेल्स हो सकती है, जैसे कि ये फाइबर्स है और ये स्कैलरिड्स है, इसके दो टाइप है, जैसे इनकी शेप होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें
अगर इसमें ये लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से क्या हो गई, थिक हो जाती है सेल वॉल और डेड हो जाती है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और ये सब चीजें जो है ना, ये कुछ नहीं देखने को मिलती है, तो डेड है विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है। इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, तो फाइबर्स नाम जहां पे भी आता है, ये जूट की रस्सियां वगैरह किससे बनती है, फाइबर पार्ट से ही बनती है प्लांट के, तो ये स्ट्रेंथ देने का काम करती है, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वही देखिए इनके अगर आप फंक्शन देखोगे तो इनके वही फंक्शन आएंगे। स्केलरेट्स जो है ना ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा सा आपको जो है ना ध्यान रखना है, क्योंकि ये फाइबर्स तो आपको याद आ जाते हैं, जाइलम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर जो है वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, तो वो स्क्लेरेन्काइमा ही तो है। बट अगर हम स्केलरेट्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो स्केलरेट्स जो होती है ये एक्चुअल में स्फेरिकल होती है, ये जो होती है फ्रूट वॉल में प्रेजेंट होती है नट्स के, और इसके अलावा गुआवा पियर और सेपोटा जो है इसके पल्प जो होता है ना, जो ग्रिटीनेस आती है, आप खाते हैं तो थोड़ा सा आता है ना ग्रिटीनेस आती है, तो वो भी इसी की वजह से है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, उसके अंदर भी क्या है आपकी स्केलरेट्स प्रेजेंट होती है, और लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्तियां जो होती है उनमें भी यही प्रेजेंट है। वर्क आपको पता है मैकेनिकल सपोर्ट का इनका काम होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्लियर है आपके दिमाग में। स्केलरेट्स जो है, स्केलरेट्स वो याद रखिए स्मॉल साइज सेल्स होती है। चलिए नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है वो दो तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज भी हम इनको बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल्स होती है, यानी कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज की जो सेल्स है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो इस वजह से इनको हमने कॉम्प्लेक्स बोला है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये टिश्यूज जो है गैमेटोफाइट के अंदर अब्सेंट होती हैं, गैमेटोफाइट में ये प्रेजेंट नहीं होती है। अब गैमेटोफाइट वर्ड आते हैं दिमाग में कंफ्यूजन कि गैमेटोफाइट किसको बोला भाई, तो मेन जो बॉडी है वो तो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट किसको बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज को ही तो बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के साथ में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। और इसके अलावा एम्ब्रियो सैक, उसको हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, उनमें नहीं होता है जाइलम फ्लोएम। अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो जो आप देखेंगे ना, जो उसका हम ये बोलते हैं फ्यूनिकल वाला जो एरिया, केवल वही वस्कुलर बंडल जो है ना वो हम बनाते हैं इमेज के अंदर, अगर आपने गौर किया हो, पूरे एम्ब्रियो सैक तक नहीं लेके जाते, फिर वो एंडोस्पर्म होता है, उसके चारों तरफ एग जो होता है ना, उसको डेवलपिंग एग को एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन देता है, उससे पहले वो न्यूसिलस सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिशन देती है। तो शायद अगर दिमाग इमेज क्रिएट हो रही हो तो एक्चुअल में वो एम्ब्रियो सैक एरिया ही तो है फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहां पर भी नहीं है, और पोलन ग्रेन जो होते हैं उसमें भी नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोग गौर नहीं करते हैं, जो लिखी गई आपकी एनसीईआरटी में। चलिए उसके अलावा देखिए प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, ये जो दोनों ही है ये डिफ्रेंशिएट होती है किससे, प्रोकैम्बियम से। प्रोकैम्बियम वो कैम्बियम है जो प्लांट की प्राइमरी स्टेज के अंदर डेवलप कैम्बियम होती है, उसके बाद में जो बनता है आपकी कॉर्क कैम्बियम बनती है, या फिर उसके बाद में जब हम ये बोलते हैं कि इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम है वो बनती है, तो ये जो है जाइलम को बनाती है, जाइलम को एंड फ्लोएम को बनाती है। ठीक है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो एक्चुअल में फॉर्म करती है किसको, आपके हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को, और प्राइमरी को कौन फॉर्म करता है, प्रोकैम्बियम फॉर्म करता है। तो ये देखिए ये डायग्राम आपके दिए गए जाइलम के हैं, जिसमें ये तो क्या है ट्रैकेट्स है और ये है वेसल्स। ट्रैकेट्स और वेसल्स को पहचानते हैं हम कैसे हैं कि देखिए वेसल्स जो होती है हमेशा आप देखो उनपे जो उनका टिप होता है ना वहां पे परफोरेटेड प्लेट इस तरह से प्रेजेंट होती है, जबकि ट्रैकेट्स जो होती है ना इनके एंड जो होते हैं ना इस तरह से नुकीले से ना लास्ट में नुकीले हो जाते हैं, कम यहाँ पे नुकीले हो जाते हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी इस वजह से फॉर्म होती है क्योंकि एक्चुअल में ये कई सेल्स होती हैं जिनके फ्यूजन से एक वेसल जो होती है ना उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये उनके फ्यूजन से बनती है, कई सारी सेल्स जो होती है वो एक वेसल जो होती है उसको फॉर्म करती है, जबकि एक सिंगल सेल जो होती है वही ट्रैकिड कहलाती है, ये एक सिंगल सेल ही है। ठीक है, और ये इनमें पिट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये परफोरेटेड नजर आ रही है, और ये मल्टी न्यूक्लेटेड हो जाती है क्योंकि कई सारी सेल्स जो है वो आपस में क्या हो रही है, फ्यूज होने से ही कंडीशन बन रही है वेसल्स की। ठीक है, क्लियर रखिए ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं जाइलम। चलिए जाइलम की बात करते हैं, चार्ट के थ्रू हमने बुक में भी समझाया और यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं। जाइलम का काम वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का है, रूट से लेकर स्टेम तक, लीफ तक, पत्तियों तक, शूट एरिया में पूरे में पहुंचाने का काम है इसका। इसके क्या एलिमेंट है, जाइलम के चार एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे पहले ट्रैकेट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिक होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, टेपरिंग एंड होती है, डेड है ये, डेड है। ठीक है ना, ये डेड है। अब ये जो डेड है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी मैंने आपको वेसल्स के अंदर बोला वो, दैट कंडीशन इज रॉन्ग, मैंने न्यूक्लिएटेड जो वर्ड यूज किया दैट इज रॉन्ग।
ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअल में इनमें केवल एक ही हमारे पास में लिविंग सेल होती है, बाकी सारी की सारी डेड सेल्स होती है जाइलम के अंदर। चलिए, वेसल्स जो होती है, वेसल्स जो है ये सिलेंड्रिकल है, इनका फॉर्मेशन कई सारी सेल से मिलकर वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी लिग्निफाइड होती है और इनके अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आपस में जुड़ती किसकी वजह से, इनमें पिट प्रेजेंट होते हैं, है ना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है ये कनेक्टेड रहते हैं ताकि वाटर जो है वो क्या हो सके, यूनिफॉर्मली नीचे से ऊपर तक मूव कर सके। चलिए, जाइलम फाइबर्स जो है ये क्या है, वही ये स्क्लेरेन्काइमेटस जो है ना सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज वही है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स ही हैं ये, जो क्या होते हैं आपको पता है कि डेड होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वही जाइलम पेरेन्काइमा के करेक्टर, वही स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, चारों के अंदर एक ही बात ध्यान रखनी है, केवल यही है जो क्या होता है लिविंग होता है, बाकी ये तीनों क्या है डेड है, ठीक है, तीनों के तीनों डेड सेल्स होती है जाइलम के अंदर, क्वेश्चन बनता है ये। फिर आ जाते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बारे में बात करें, तो प्राइमरी जाइलम किसको बोलते हैं, वो जाइलम जो सबसे पहले बनता है ना, वो उसको हम फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स को प्रोटोजाइलम बोलते हैं, ठीक है, ये है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम किसको बोलते हैं, जो इसके बाद में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम, इट इज द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अभी इसी इन दोनों की पोजिशन किधर है, अगर हम लोग कोई भी स्टेम को अगर हमने लिया मोनोकोट या डाइकॉट, हमने उसको क्या किया, उसका टीए सेक्शन कट किया, टीए सेक्शन करने के बाद में हमें क्या इस तरह से सर्कुलर कंडीशन नजर आएगी। अब देखिए ये सेंट्रल पोजीशन है, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक तो सेंट्रल की तरफ जाइलम हो सकता है या फिर पेरिफ्री की तरफ हो सकता है। अब प्रोटोजाइलम की कंडीशन पोजीशन कहाँ पे है उसी पर डिपेंडेंट होती है जाइलम की दो, हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं दो कंडीशन क्या, एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क किसको बोलते हैं, जब जाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम जो है ये किधर होता है आपका, सेंटर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है, ये जो सेंट्रल एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं पिथ, तो इस तरफ होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एंडार्क। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका हमें बोल रहे हैं मेटाजाइलम जो है वो किधर होगा, टुवर्ड पेरिफ्री, इस साइड के अंदर ये प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या एंडार्क कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे है आपका प्रोटोजाइलम और यहाँ पे है मेटाजाइलम, इस कंडीशन को हमने बोला एंडार्क कंडीशन। एक्सार्क किसको बोलेंगे, जब आपका प्रोटोजाइलम जो है वो तो प्रेजेंट होगा किधर, पेरिफ्री की तरफ, जबकि मेटाजाइलम जो है वो किधर प्रेजेंट होगा, पिथ की तरफ, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एक्सार्क बोलते हैं। अब इनके लिए जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें स्टेम में, तो स्टेम के अंदर क्या कंडीशन है एंडार्क कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है। एग्जार्क कंडीशन किसमें होती है, रूट्स के अंदर होती है, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है, तो रूट के अंदर एग्जार्क कंडीशन है। चलिए आगे, फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर फ्लोएम। अभी देखिए फ्लोएम के अंदर भी चार ही एलिमेंट्स हैं, सीवीट्यूज, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो सीवीट्यूब्स जो है अगर आप उनको देखोगे तो ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग है और उसी के साथ में हम क्या बोल रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इनका, है ना, और ये एसोसिएटेड रहती है किससे, कंपेनियन सेल से। ये देखिए ये जो सेल्स है ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स में हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, ये देखिए हमने इसके अंदर क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। तो जो सीवी ट्यूब्स होती है ये भी क्या है, लिविंग सेल है, बट इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। जब हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड सेल्स के बारे में और ऐसी सेल्स जो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जब हम आरबीसी की बात करते हैं, जब एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे, तो यहाँ पे सीवी ट्यूब जो है ना वो एग्जांपल दिया जाता है क्योंकि इसके पास में इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसके पूरे हम बोलते हैं ना मशीनरी को, इसके अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो उसको क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लिएटेड इसमें कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनके अंदर जो सीवी ट्यूब्स है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। फिर आप देखोगे तो इनकी एंड वॉल जो होती है वो देखो परफोरेटेड होती है, यहाँ पे देखिए पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स सी, ये देखिए सीवी पोर्स जो है ना ये पोर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड रहती है ताकि आराम से जो है ना क्या हो सके, कोई भी जो हम बोल रहे मटीरियल जो है, वाटर जो है, या फिर हमें बोल रहे हैं कि जितना भी फूड बना है वो फूड जो है उसका क्या हो सके, कंडक्शन हो सके, ठीक है। तो ये हुई सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स इसी का काम करती है, कंपेनियन सेल्स इसके साथ में एक काम और करती है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होते हैं उसको मेंटेन करती है, किसके अंदर, सीवी ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है किसी भी
फूड के या फिर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, ये ग्रेडियंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। चलिए, फ्लोएम पेरेन्काइमा वही सारे कैरेक्टर्स हैं जो पेरेन्काइमा के होते हैं, लिविंग सेल है ये भी, तो ये तीनों लिविंग है, बट फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड होती है। इनको ही हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, पॉइंटेड है, ठीक है। ये जो है इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, तो स्क्लेरेन्काइमा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर की जो है वो ज्यादा जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत जो है वो हमें बोलते हैं फाइबर्स ये होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए चारों के चारों एलिमेंट्स, किसके, फ्लोएम के, और इनमें भी सेम कंडीशन है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम कंडीशन होती है। जो पहले फ्लोएम बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। पर एक्सार्क और एंडार्क ये सारे शब्द जो है वो हम एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके लिए नहीं ले रहे हैं। चलिए, नाउ द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम यानी कि कई सारे टिश्यूज मिलकर एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक क्या होता है, काम होता है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेबर डिवीजन हो जाता है कि हाँ भाई इन सारे टिश्यू ने मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो देखिए टिश्यू सिस्टम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसको बोल रहे हैं, कि अगर कोई भी रूट है, स्टेम है या लीफ है, तो उसके अंदर क्या है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, वही क्या है, एपिडर्मल टिश्यू का पार्ट है ना। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन कवरिंग जो होती है उसको फॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये स्टोमेटा जो है लीफ में, स्टेम में, ये जो है स्टोमेटा जो है लीफ एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है कुछ ये इनका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका हमें बोल देते हैं कि एक्सचेंज का काम होता है, और ट्रांसपिरेशन भी इसी के थ्रू थोड़ा बहुत होता ही है। तो ये जो है स्ट्रोमेटा भी इसी का पोर्शन है। ये एपिडर्मिस जो होती है इस पे लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की थिक वैक्सी लेयर होती है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइकोम्स इनसे निकल सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टेम के ऊपर ट्राइकोम होते हैं, रूट के ऊपर रूट हेयर प्रेजेंट होती है, तो ट्राइकोम या फिर रूट हेयर जैसी स्ट्रक्चर जो है वो इसकी एपिडर्मल लेयर जो है इनसे निकल सकती है। ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकती है, ट्राइकोम यूनिसेलुलर होते हैं जबकि रूट हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये जो एपिडर्मल टिश्यूज है इनका काम क्या है, एक तो आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहे हैं, ठीक है। फिर इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, बिल्कुल है ना, एब्जॉर्प्शन करेंगी, एक्सक्रीशन का काम करती है, गैसेस एक्सचेंज भी होता है इसकी वजह से, और ट्रांसपिरेशन रेट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम भी करती है क्योंकि क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, सिक्रीशन भी इनसे होता है। तो ये फंक्शंस हैं जो कि एपिडर्मल टिश्यू परफॉर्म करते हैं। अभी एपिडर्मल टिश्यू जो है वो तीनों ही पोर्शन पे, आप इमेजिन करिए, या आप इमेजिन करिए किस पे, स्टेम के भी चारों तरफ, या आप इमेजिन करिए लीफ जो होती है उसके भी चारों तरफ और रूट के भी चारों तरफ, है ना, बाहर आप देखोगे तो उनको ही हम एपिडर्मल बोल रहे हैं। तो आउटर लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ट्राइकोम्स जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं स्टेम पोर्शन के अंदर, और ये सब्सिडरी सेल्स जो होती है ये एक्चुअल में स्टोमेटा का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए रूट हेयर सॉरी यूनिसेलुलर होते हैं जबकि ट्राइकोम्स जो है वो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ना स्टोमेटा को देख लेते हैं कि स्टोमेटा किसको बोल रहे हैं। स्टोमेटा जो है वो कैसे होती है, ये देखिए स्टोमेटा फोर फॉर्म हो रहा है, किसकी वजह से, गार्ड सेल्स की वजह से हो रहा है। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, कुछ सब्सिडरी सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो एक्चुअल में ग्रेडियंट फॉर्म करने का काम करती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं या फिर ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास के अंदर डंबल शेप जो होती है, गार्ड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए आपको ध्यान भी रखना है। चलिए नाउ नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज हम किसको बोल रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस को आप छोड़ दीजिए और वैस्कुलर बंडल को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा है ना, अगर मैं बताऊं तो ये बाहर वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस, और अगर मैं बना देती हूँ कि हाँ भाई ये जाइलम एंड फ्लोएम है, तो इसके बीच में ये जितने भी यहां तक इस पोर्शन में, अगर ये राउंड में ऐसा लेते हैं, तो ये जो पूरे पोर्शन में जितने भी टिश्यूज बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं। अब ग्राउंड टिश्यूज जो होती है वो क्या क्या फॉर्म, उनमें कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो उसके अंदर आता है कॉर्टेक्स रीजन आता है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपकी प्राइम पेरिसाइकिल आती है, पिथ आती है, मेडुलरी वेव्स आती है, ठीक है। तो ये वो एरिया है जो किसका पोर्शन है, आपके ग्राउंड टिश्यूज जो है उसका, उसको फॉर्म करते हैं। अब स्टेम एंड रूट के अंदर तो केवल यही है, लीफ के अंदर यही जो है ग्राउंड टिश्यू जो है इसको हम क्या बोलते हैं,
मीजोफिल बोल देते हैं। तो लीफ जो है थोड़ी सी ऐसे बताई जाती है, तो इसके अंदर ये दोनों ही एपिडर्मिस है और ये बीच में मैं वेस्कुलर बंडल बता देती हूँ। तो ये बाकी का जितना भी एरिया है, ये जो एरिया है ये जिस सेल से भरा होता है उसको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और एक्चुअल में ये सेल्स होती क्या है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच का जितना भी एरिया बच जाता है वो सभी क्या है, ग्राउंड टिश्यू ही है, जिसमें पिथ, मेडुलरी रेस, कॉर्टेक्स, ठीक है, ये सभी रीजन जो है उसमें आ जाते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा और क्लियर आपको हो जाएगा जब हम लोग रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे। नाउ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल में काउंट कर रहे हैं। वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसे हो सकते हैं, वेस्कुलर बंडल देखिए एक तो कंडीशन क्या हो सकती है कि रेडियल हो सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, ये इस रेडियस पे है फ्लोएम, फिर ये जाइलम इस रेडियस पे, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो रूट के अंदर ऐसी कंडीशन है। जबकि स्टेम में और लीफ में अगर आप देखोगे तो कॉन्जॉइंट कंडीशन होती है, कॉन्जॉइंट कंडीशन इसको बोलते हैं, जब जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पे आ जाते हैं। अगर मैं ये पूरा टीएस सेक्शन को कट करके बताऊं तो ये एक ही रेडियस पे आ गए हैं, इस वजह से इसको हम कॉन्जॉइंट बोलते हैं। कॉन्जॉइंट के भी हमारे पास में दो टाइप है, ओपन एंड क्लोज। क्लोज तो उसको बोलेंगे जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या हो गए, क्लोज हो गए, ये सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर नहीं होती। तो मोनोकोट्स के अंदर क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं, कौन से, कॉन्जॉइंट। जबकि ओपन टाइप हमें देखने को मिलते हैं जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, वो किसमें हमें प्रेजेंट मिलेंगे, डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लियर। तो ओपन एंड क्लोज दो तरह के क्या हो सकते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। पहले दो टाइप हुए, ये अलग अलग रेडियस पे, ये एक ही रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम, फिर इसके दो टाइप है ओपन एंड क्लोज। चार थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको मैं जो है बता सकती हूँ, ये इसके अंदर के दोनों टाइप है। ठीक है, तो ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए नाउ अब हम लोग देखेंगे एनाटॉमी। तो जितनी भी टिश्यूज हैं, यानी कि कौन कौन से एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, तीनों की पिक्चर और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। पहले बात करते हैं डाइकोट रूट की, रूट के बारे में बात करें कि रूट किस तरह की होती है, डाइकोट रूट। तो देखिए ये डाइकोट रूट का एनसीईआरटी के अंदर दिया गया डायग्राम है, क्लियर इमेज इसी से बना लीजिए। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये क्या है, रूट है। तो रूट के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है आपकी एपिब्लेमा, जिससे निकल रहे हैं क्या, रूट हेयर, रूट हेयर इन्हीं से निकलते हैं। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेल, एक सिंगल सेल ने ही रूट हेयर को बनाया है। ठीक है, तो सिंगल सेल, इनसे क्या निकलते हैं, आपके रूट हेयर निकलते हैं। उसके बाद में आ जाता है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन देखोगे तो सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस, ये देखिए एंडोडर्मिस पूरी की पूरी है ना। अभी एंडोडर्मिस जो होती है इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर वैक्सी मटेरियल, सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। तो इनके अंदर कहीं कहीं पर क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। फिर इसके नीचे देखिए एक और लाइनिंग प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल जो है क्या फॉर्म करती है, इनसे लेटरल रूट्स निकलती है। ठीक है ना, तो लेटरल रूट किससे फॉर्म होती है, रूट हेयर किससे फॉर्म होते हैं, रूट हेयर एपिडर्मिस से ही निकलते हैं, लेटरल रूट्स जो है वो पेरिसाइकिल से निकलती है। क्लियर रखिए इस बात को। इसके अलावा हमने रूट की जब बात करी थी तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, जाइलम अलग है और आपका फ्लोएम जो है वो अलग कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो ये आपका जाइलम है, ठीक है, ये आपका फ्लोएम एरिया है। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो अलग 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 क्या है, रेडियस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया डाइकोट रूट। पर डाइकोट रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल के हमें ये याद रखना है कि कितने नंबर में प्रेजेंट होती है। तो 2 to 4 जो है वो जाइलम प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो है वो क्या है, जाइलम है। तो पैचेस में प्रेजेंट है लेकिन कितने, 2 to 4 कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है। तो रेडियल है, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस है और रूट है, तो इस वजह से हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है। चलिए मोनोकोट स्टेम के अंदर ही अगर हम बात करते हैं, सॉरी मोनोकोट रूट के बारे में, तो डाइकोट रूट जो है उसके अंदर, सॉरी वो डाइकोट रूट थी, तो डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, डाइकोट रूट जो है यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस कंडीशन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। बट जो कैम्बियम बनेगी वो कैम्बियम जो है वो थोड़ी सी इस तरह से हम बोलते हैं कि वेवी बनेगी,
जिसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। पर हम मोनोकोट रूट की अगर हम बात करते हैं, मोनोकोट रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो वही सारी चीजें हैं, रूट वही एपिडर्मिस है जिससे रूट हेयर निकल रही है, कॉर्टेक्स रीजन है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है इनकी जो मात्रा है, पैचेस जो है, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाइकॉट। डाइकॉट के अंदर 2 to 4 थे और ये उससे ज्यादा इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये भी एक याद रखना है, यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस के नीचे थोड़ी सी आप देखोगे अलग से एक लेयर प्रेजेंट है, तो हम ये बोलते हैं कि इसके नीचे कॉलन काइमेटर सेल की एक और देखिए यहाँ पे हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है लिखकर तो, लेकिन उसको डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं किया है। तो ये कॉलन काइमा की बनी हाइपोडर्मिस जो है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। नाउ बात करते हैं डाइकोट स्टेम की। डाइकोट स्टेम में अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम जो है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है जो उसी को हम लोग क्लियर करते हैं। अब इसमें देखो आउटर लेयर एपिडर्मिस है और उससे ट्राइकोम्स निकल रहे हैं क्योंकि ये स्टेम है डाइकॉट जिसके अंदर वही मल्टी सेल कंडीशन है। इनके अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। देखिए ये हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला एरिया जो है इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। लेकिन ये किसका बना होता है? कॉलन काइमा का बना होता है, ठीक है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर देखिए ये कॉर्टेक्स रीजन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये पैरेन्काइमा का बना है। ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा पैरेन्काइमा है। तो ये देखिए ये पैरेन्काइमा का बना हुआ ग्रीन कलर का ये क्या है, कॉर्टेक्स है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर क्या है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है उसके जस्ट नीचे की लेयर। ये देखिए ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के नीचे देखिए आपके पैचेस के अंदर पेरिसाइकिल जो है वो भी प्रेजेंट है। फिर ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे है। ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है दोनों एक ही रेडियस पे है, तो कॉन्जॉइंट टाइप है। लेकिन इनके अंदर क्या है, कैम्बियम बनाई है। ये देखिए ये कैम्बियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में है इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इनके अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है। तो ये कैसा है, ओपन टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट हम ये बोल रहे हैं कि ये आपके वेस्कुलर बंडल है। प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है, तो कंडीशन कैसी है आपकी, एंडार कंडीशन है, ठीक है। तो इनके अंदर कंडीशन एंडार्क होती है। अगर हम लोग मोनोकोट स्टेम में देखेंगे तो यहाँ वेस्कुलर बंडल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है जो पूरे के पूरे आपके कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ग्राउंड जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर इस तरह से फैले रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज देखोगे तो वो आपको नजर आएगा कि जितने भी वेस्कुलर बंडल है वो अलग अलग साइज के हैं। तो जो सेंट्रल में होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जबकि जो पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं। फिर आज बात करते हैं लीफ की। तो लीफ जो है डॉर्सी वेंट्रल जो है लीफ होती है डाइकॉट की। डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोल रहे हैं, अगर आप लोग लीफ देखोगे डाइकॉट की तो वो एक तरफ से डार्क कलर की होती है, दूसरी तरफ से क्या होती है, लाइट कलर की होती है, ठीक है। तो वही है आपकी जो हम ये बोलते हैं कि नीचे की जो एपिडर्मल लेयर है इसको हम बोलते हैं इसकी एबैक्सियल एपिडर्मिस, जबकि ऊपर वाली जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। हमेशा याद रखिए जो लोअर सरफेस है यहाँ पे स्ट्रोमेटा जो है वो ज्यादा होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं क्यूटिकल की लेयर जो है उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वही ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टेम पे भी प्रेजेंट होगी, बट ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है रूट पे प्रेजेंट नहीं होती है। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनका मेसोफिल एरिया है इसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है, एक तो पैलिसेड सेल्स ऊपर की तरफ है जो है ना लंबी है, दूसरी जो है वो स्पंज सेल्स होती है। इनके अंदर क्या है, एयर कैविटी जो है वो प्रेजेंट रहती है। देखिए एयर जो कैविटी है वो प्रेजेंट है, तो इनको स्पंजी मेसोफिल बोलते हैं, इनको पैलिसेड मेसोफिल बोलते हैं। फिर देखिए ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये बंडल शीथ एक और लेयर जो होती है जो स्पेशली लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होती है उससे ये कवर्ड रहती है। स्ट्रोमेटा जो है वो आपके लोअर सरफेस पे है ज्यादातर, और देखिए ये जिस कैविटी में ओपन हो रहे हैं उसको बोलते हैं सब स्ट्रोमेटल कैविटी। तो ये हो गया लीफ। मोनोकोट लीफ के अंदर अगर देखेंगे तो इस तरह से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगा, मेसोफिल पूरा का पूरा एक जैसा ही है, कोई पैलिसेड एंड हम ये बोल रहे हैं कि स्पंजी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसमें। वही आपकी इसके अंदर अगर आप इसको इस लीफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल होते हैं, क्योंकि ये पूरी एक ही जैसी है दोनों तरफ से अगर हम देखेंगे। पर ये इसकी एडेक्सियल सर्फिस है, ये एपेक्सियल सर्फिस है, दोनों पे देखोगे दोनों ही साइड में आपको स्ट्रोमेटा भी नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा ऊपर और नीचे का, एक जैसी नजर आ रही है। इसी वजह से हम इसको आइसोबाइलेटरल बोलते हैं जबकि उसको डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं, क्योंकि दोनों सर्फेस अलग अलग हमें नजर आती है, ये दोनों ही तरफ से इक्वली एक ही जैसी हमें शो होती है, तो इसको हम आइसोबाइलेटरल बोलते हैं, इसको मोनोकोट लीफ को, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट अगर हम डिफरेंसेस देखें तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डाइकोट लीफ के अंदर और मोनोकोट लीफ के अंदर।
तो वही है सारे के सारे कि अपर सरफेस कैसा होता है। अगर हम लोग बात करेंगे डॉर्सी वेंट्रल के अंदर, तो इसका जो अपर सरफेस होता है वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहता है, जबकि लोअर सरफेस जो होता है वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट के अंदर इतना नहीं रहता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में जो ज्यादा रहेगा वो डार्क होगा, जो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा वो लाइट होगा। चलिए, नाउ इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा अच्छे से बात करना पसंद करूंगी। सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करिए। सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती है। अभी देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो विड्थ इंक्रीज करवाने के लिए जो है डेवलप होता है परमानेंट टिश्यू के डीप डिफरेंशिएशन होने से। ठीक है, अब इसमें कौन रोल प्ले करता है, एक तो वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरी कॉर्क कैम्बियम। ये मान लीजिए आपका स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम के अंदर ये आपके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स है, तो इसके अंदर इन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, जबकि कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो कैम्बियम फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो ये दो शब्द याद रखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कौन, कॉर्क कैम्बियम रोल प्ले करती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। वैस्कुलर कैम्बियम किसको बोल रहे हैं, वो मेरिस्टमेटिक लेयर जो कि यहां प्रेजेंट है, जो कटिंग करती है मतलब कि सेल डिविजन करती है, और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। अब इसमें भी दो चीजें आती है, एक तो आती है इंट्राफेसिकुलर और एक आती है इंटरफेसिकुलर, इनके बीच में, जिसकी वजह से एक रिंग फॉर्म हो जाती है, और इस रिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, यानी इंटर प्लस इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम जो है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होती है, भाई वही है आपकी, ये आपके जाइलम फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट है वो है आपकी कौन सी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जबकि दो जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि दो आपके वेस्कुलर बंडल के बीच में जो न्यूली फॉर्म्ड होगी है आपकी, जो मेडुलरी रेस के बीच में, मेडुलरी रेस की जो सेल्स हैं जो परमानेंट है उनके डी डिफरेंशिएशन होने से बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये आपस में एक रिंग की तरह इस तरह से जुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। ये अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी, तो कंटिन्यू ये बार बार में क्या करती जाएंगी, ग्रोथ शो करती जाएंगी, डिवीजन करेंगी, और डिवीजन करते करते क्या होगा, अंदर की तरफ तो जो है जाइलम जो है आपका प्राइमरी जाइलम वो अंदर की तरफ पित्त की तरफ क्या धंसता जाएगा, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हम ये बोल देते हैं कि उसकी सेल्स जो है वो डेड होती जाएंगी, जबकि बाहर की तरफ आपका क्या है, सेकेंडरी जाइलम बनता रहेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कॉर्टेक्स को बाकी सबको क्या करेगा, पेरिफेरी की तरफ धकेल देगा। तो ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती जा रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या हो रही है, विड्थ जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो कैम्बियम रिंग जो है वो आपकी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करने का काम करती है। ठीक है, अभी देखिए कुछ तरह कई स्पेशल टाइप ऑफ वुड जो है वो फॉर्म होती है, ये वुड के बारे में क्लियर कट लिखा है आपके एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्प्रिंग वुड किसको बोलते हैं और ऑटम वुड किसको बोलते हैं। देखिए, स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी हम बोलते हैं कि वाटर की, मिनरल की, न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम के अंदर जाइलम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो हम ये बोलते हैं कि जो नया जाइलम बनता है ना उसकी वेसल्स बहुत ही ज्यादा वाइड होती है, ज्यादा वाइड होगी तो वो ज्यादा वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और न्यूट्रिशन उतना ही ज्यादा प्लांट के अंदर आएगा, राइट। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये वो वुड है, ये वो जाइलम है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा होता है, और इसकी ल्यूमिन जो होती है वेसल्स की वो बहुत ज्यादा वाइड होती है, तो ऐसी वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं, किस क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वुड। दूसरी आती है ऑटम वुड, ऑटम के उस टाइम पे क्या होता है कि स्प्रिंग वुड के बाद उस टाइम पे थोड़ी सी हम ये बोलते थे वाटर भी कम है, और मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है रूट के अंदर उसकी भी अवेलेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, इस वजह से जो नया बनता है जाइलम वो थोड़ा सा क्या होता है, लेस एक्टिव होता है, और उनकी भी वेसल्स की ल्यूमेन क्या होती है, थोड़ी सी नैरो होती है, तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज जो होता है ना जाइलम बनता है ये, जबकि थोड़ी सी क्योंकि ल्यूमेन बहुत बड़ी बड़ी है, तो आप ये मान लीजिए, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, इस तरह से सोच लीजिए कि जाइलम बन रहा है, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ बस, कि वाइड है उनकी। अब ऑटम वाली जो है वो बनेगी तो उनका जाइलम जो है वो थोड़ा सा नैरो होगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, इस तरह से नैरो वेसल्स वाला जो है जाइलम इस तरह से बनेगा, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वुड, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटम वुड। अब आपको पता है ये वेस्कुलर कैम्बियम है जो अंदर की तरफ जाइलम बना रही है, इसने क्या किया, पहले बनाया आपका स्प्रिंग सीजन के अंदर स्प्रिंग वुड बनाई, देन आपकी क्या बनाई, आपकी ऑटम वुड बनाई, फिर सीजन तो क्या है, अल्टरनेशन जो है चलते रहते हैं, देन फिर क्या आया, स्प्रिंग आया, तो फिर उसने क्या किया, वाइड जो है वो वाइड ल्यूमेन वाली जो है जाइलम बना दिया,
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाया इसने, है ना, कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चलो बना लिया। देन क्या हुआ, ऑटम आया, ऑटम आया तो छोटी छोटी ल्यूमेन वाला जो है वो वेसल्स और ट्रैकेट्स वगैरह ये सब बन रही है, जाइलम बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो आप देखेंगे क्या, स्प्रिंग वुड जो होती है वो थोड़ी सी लाइट कलर की होती है, जबकि ऑटम वुड जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी डार्क कलर की होती है। और आप जानते हैं कि एक पूरा साल जब निकलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, स्प्रिंग एंड ऑटम जो है ये जो सीजन है वो इसी तरीके से अल्टरनेशन में आएंगे बिल्कुल। तो दो लगातार इस तरह से बनने वाले लाइट और डार्क बेड को इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं, जो किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम अर्ली वुड बोलते हैं और इसको हम लेट वुड भी बोल सकते हैं। तो स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी बोल सकते हैं और इसको ऑटम वुड को हम लेट वुड भी बोल सकते हैं। तो इस वजह से बनती है एनुअल रिंग, और इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी में ये बनते जाएंगे। तो आप एज काउंट कर सकते हो किसकी, प्लांट की, कि ये वन एनुअल रिंग, टू, थ्री, फोर, आप इस तरह से जो है इन रिंग्स को काउंट करोगे तो प्लांट की एज क्या है वो भी आप निकाल सकते हो। तो एनुअल रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट की एज बताने में। फिर आ जाती है हार्टवुड एंड सैपवुड, ये भी दो शब्द है जिनको आप ध्यान रखिए। हार्टवुड किसको कहते हैं, हार्टवुड वो वुड होती है जिनकी सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर के अंदर आती है, नॉन फंक्शनल जो है हम बोलते हैं वुड होती है, क्योंकि हाईली लिग्निफाइड होती है, ये लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से सारी सेल्स डेड हो जाती हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि ये जो वो एरिया है, हमें जो सेकेंडरी जाइलम का वो पार्ट है जो ट्री के अंदर सेंटर के अंदर बनता रहता है, बहुत ही गहरे डार्क कलर का होता है वो, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का होता है, ठीक है। और ये डार्क कलर भी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन टैनिन जो है इन सब के डिपोजिशन की वजह से जो है वो डार्क कलर उसका डेवलप हो जाता है। तो ऐसी वुड को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वुड बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो आ जाती है वो आ जाती है सैपवुड। सैपवुड किसको बोलते हैं, ये एक्चुअल में पेरिफेरल रीजन के अंदर होती है, यानी कि धीरे धीरे एनुअल रिंग जो घिसकती जा रही है जो सेंटर की तरफ है। ये मान लीजिए कि मैंने ट्री का टीए सेक्शन लिया तो बहुत ही डार्क कलर की जो अंदर की तरफ है ना डिपोजिशन की वजह से डेड है, इसको मैंने बोला है क्या, हार्डवुड। जबकि पेरिफेरल साइड के अंदर होती है जो लाइट कलर की होती है, जिनकी स्टिल सेल्स क्या है, लिविंग है ना, ये नई एनुअल रिंग जो बनती जा रही है, ये वुड जो है ये क्या है, सैपवुड होती है। ये है आपकी सैपवुड, ठीक है, ये आपकी क्या है, सैपवुड। तो दो तरह की वुड हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, जो धीरे धीरे बीच में सेंट्रल में है डेड जो है उसको हम बोल रहे हैं हार्डवुड, और जो बाहर की तरफ लिविंग है उसको हम बोल रहे हैं सैपवुड। कॉर्क कैम्बियम किसको बोलते हैं, अभी देखिए आपका ये हम बोलते हैं स्टेम ले लिया मैंने, स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो कैम्बियम बन रही है, इस कैम्बियम को मैं क्या बोलती हूँ, कॉर्क कैम्बियम हम बोलते हैं। अभी कॉर्क कैम्बियम जो है जिसको हम फेलोजन बोल रहे हैं, ये फेलोजन क्या करता है, अंदर की तरफ तो बनाता जाएगा आपका कॉर्टेक्स, ये देखिए ये अंदर और बाहर की तरफ क्या करता रहता है, कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है। तो कंटिन्यू डिवाइड करने से क्या होती रहती है, सेल्स जो है वो इधर बनती जाएंगी, नई सेल्स बनती रहेंगी, नई सेल्स बनती रहेगी तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ प्रेशर भी लगेगा। तो देखिए होता क्या है, फेलोजन किसको बोल रहे हैं, वही आपकी हम बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम को, जो कंटिन्यू मेरिस्टमेटिक और जो कंटिन्यू डिविजन कर रही है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ क्या फॉर्म होता है, कॉर्क फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम फेलम बोलते हैं, क्लियर। उसके अलावा अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फेलोडर्म बोलते हैं। तो अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है उसको हम बोलेंगे फेलोडर्म। तो देखिए फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, पेरीडर्म बोलते हैं। इन तीनों को कंबाइंडली हम बोलेंगे पेरीडर्म। तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, फेलोजन क्या है, सेंट्रल में होता है, फेलम बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, और फेलोडर्म जो है वो अंदर की तरफ बनने वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, तीनों को हमने पेरीडर्म बोल दिया। लेंटिसेल क्या होते हैं, कि ये कॉर्क कैम्बियम जो है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, वही सेल डिवीजन कर रही है, सेल्स जो बन रही है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, जो एपिडर्मिस पे क्या करती है, एक प्रेशर लगाती है जिसकी वजह से छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, जिनको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, बार्क के अंदर गैसेस एक्सचेंज का होता है। बार्क कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बट यही जो डेड सेल्स होती है चारों तरफ बनती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट में अगर हम देखें तो मोनोकोट रूट तो करती नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट रूट करती है। तो जिनमें सबसे पहले क्या होती है, जाइलम के, अगर ये मान लीजिए ये आपका जाइलम है तो जाइलम अंदर की तरफ यहाँ पे कैम्बियम बनेगी, अगर ये फ्लोएम है तो इसके बाहर की तरफ इस तरफ, सॉरी ये आपका जाइलम है, ठीक है, ये आपका फ्लोएम है, ठीक है। तो फ्लोएम यहाँ पे होगा क्या, अंदर की तरफ जाइलम बनेगा और बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा, ये तो कंडीशन होती है, जाइलम है ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ यहाँ पे फ्लोएम बनाएगा। तो इस तरीके से अगर ये मैंने बना दिए जाइलम, तो ये कुछ इस फ्लोएम ये इस तरीके से अंडुलेटेड जो है वो बनेगी आपकी क्या,
वैस्कुलर कैंपियन, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाइलम बनाती रहेगी, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती जाएगी, तो ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी और ये कंटिन्यू अंदर की तरफ क्या बनाती रहेगी, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती रहेगी। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, तो इनकी वजह से क्या होती है, एनुअल रिंग्स फॉर्म हो जाती है अंदर की तरफ, जैसे कि हम लोगों ने स्टेम में पढ़ा वैसे ही रूट के अंदर भी होता है। तो ये है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है, लीफ जो होती है चाहे वो मोनोकोट हो चाहे डाइकॉट हो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती। चलिए ये तो कॉमन सेंस की बात भी हो गई। तो एनाटॉमी में इतना ही है, छोटा सा पोर्शन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कुछ डाउट्स हो तो वो आप लोग आपके क्लियर हो जाएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी हम लोग आगे फ्यूचर में लाइव क्लासेस लेंगे उनमें भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपके कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं जिनको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उनके आंसर मुझे बताने हैं ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया। ठीक है, तो ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिए गए हैं जैसे पूछे जाते हैं, कि कई बार तो क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और कई बार जो होता है वो मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग जो है पूछ लेते हैं, तो कई बार करेक्टली मैच जो होता है उसी के लिए पूछ लेते हैं। और कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार कोई ना कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछूं ताकि एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको क्लियर हो। तो ये है कुछ क्वेश्चंस और जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे आंसर बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन के अंदर आके। तो आज के लिए एनाटॉमी में इतना ही। एनाटॉमी बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर चीजें बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल टॉपिक ये नहीं है। और धीरे धीरे हम ये बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से पढ़ते पढ़ते मजा भी आ रहा होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।